हाय गाइज, वेलकम बैक। और एम के विनोद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने अभी आपको जो रील्स दिखाई है वो आप कैसे बना सकते हैं, इंस्टा रील्स कैसे बना सकते हैं कुछ वीडियो शूट करके। तो सबसे पहले आपको इसमें जाना होगा और रेशो है 9:16 करना होगा। आपको 9:16 करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद में आपको ये छोटी छोटी जो भी आपने वीडियो सेलेक्ट किया उनको शॉर्ट बना लेना है। शॉर्ट बना के उन वीडियोज को 5-5 सेकंड के या 3-3 सेकंड के, उनके जो आप मेन मेन बिंदु दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उनको एडजस्ट कर लेते हो। उससे पहले आपको उनको इम्पोर्ट करना होगा। इम्पोर्ट करने के लिए आपको क्रम बाई जो भी आप जैसे जा रहे हो, जैसे मैंने किए हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ मैंने कैसे किए हैं, तो उस आधार पर मैं आपको वीडियो लेके बता देता हूँ। जैसे मैंने ये 4-5 वीडियो लिए हैं जिनका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अभी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको पास दोबारा। अब मैंने जो मेरे छोटे छोटे वीडियो थे वो मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं, जैसे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो मैंने इंपोर्ट कर लिए छोटे छोटे वीडियो, आपको दिखा देता हूँ जो भी है ये वीडियोज़ है जिसका मैं अभी, अब जो मैंने इनमें साउंड था वो को सारे को मैं उनको हटा देता हूँ जो भी इसमें साउंड था, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो कॉपीराइट का इश्यू रह सकता है मेरे लिए, तो इस वजह से मैं इनका जो जो भी है इनका साउंड रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद में आपके सामने आता हूँ। जो ऐसा इंटरफेस है जो आपको ऐसी वीडियोज है उसको आपको मैं बता देता हूँ। ये अगर आप इसमें जो भी है इफेक्ट्स ऐड करना चाहते तो वो कर लेते हैं, लेकिन मैंने वीडियो कुछ इस तरह शूट की कि मुझे इफेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें ऐड करने की, तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसमें आपको जगह का नाम डालना है, कुछ भी डालना है। जैसे मैं फर्स्ट वीडियोज है, फर्स्ट वीडियोज में मुझे जगह का नाम डालना है तो मैं डाल देता हूँ जब जो कि मेरे यहाँ पे है, जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये है, इसको डालने के बाद में मैं इसमें जो है आउट एनिमेशन सेट करूँगा, क्योंकि मुझे ये इधर लेफ्ट की तरफ भेजना है, तो मैं पे सबसे पहले इसमें आउट लेकिन सबसे पहले हम इसकी वीडियोज़ की स्पीड, सारे वीडियोज़ की स्पीड हमको 1.5 पे कर लेनी है, क्योंकि हम उसी आधार पे, अब काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि जल्दी जल्दी दिखाना हमें अच्छा रहेगा। जो है जो मैंने ऐसे ये बना लिए है, आपको इसको ऐसे क्रिएट करके बना लें। अगर आप अपने हिसाब से जगह का नाम डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हो कि काफ़ी है, और ये जो 35 सेकेंड की थी वो 22.5 सेकेंड की रह गई है। अब आप इस तरह देख सकते हो कि ये वीडियो ऐसी बनेगी, और उसमें आपको यहाँ पर नाम जोड़ने के लिए मैं आपको थोड़ा नाम इम्पोर्ट करके बता देता हूँ, एक नाम जिससे आपको उसी तरह आसानी रहेगी। जैसे कि मैं इस नाम को यहाँ पर जोड़ देता हूँ, जो जिस सिटी का मैंने वीडियो बनाया उस सिटी का वीडियो है वो नाम है, तो इसको मैं बना लेता हूँ। और इसका मुझे कलर देना है, जैसे कि मैं चॉइस कर लेता हूँ कलर, रेड कलर चॉइस कर लिया मैंने। जो है इसको मैं थोड़ा एडजस्टमेंट पे भी कर लेता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद जो अल्फ़ाबेट है मैं उसके फ्रंट भी चेंज कर लेता हूँ, जैसे मेरे में है कुछ जुड़े हुए हैं जो उसे मैं ये लेता हूँ जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एनिमेशन। और ब्लेंडिंग पे लेना है तो ब्लेंडिंग पे अपन को जैसे भी अपन को लेना है, मल्टीप्ले पे लेना है क्योंकि इसमें काफ़ी हार्ड दिख रहा है ये,
तो इस वजह से ये अपन को वीडियो में देखने को भी अच्छा लगेगा। इसको लेने के बाद अपन को जो शेडो है, शेडो उस पर सेलेक्ट कर लेनी है। और जैसे कलर है, कलर में शेडो में आप ले सकते हो कलर। इसमें मैं ब्लैक ले लेता हूँ, जो थोड़ा काफ़ी अच्छा लगेगा। ब्लैक से इसको थोड़ा सा आगे करके और ये कर लेना है। ये करके इच्छा अनुसार कर लेना आपको जैसा देखे। अब ग्लो है, जो ग्लो में इसको येलो ही रहने दो, येलो से काफ़ी अच्छी शाइनिंग देगा, जैसे कि आपको साइडों में से दिख रही है। ये आप इस तरह देख सकते हो कि इस तरह जो मैंने एक नाम ऐड किया है इसमें, अब आप देखोगे कि आपको वीडियो में जो भी है कितना शानदार व्यूज नज़र आ रहा है। और जो भी वीडियो है उसमें सारे इफेक्ट्स वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और हर वीडियोज को आपको जो है बिगनेटेल इसमें सब में वीडियोज में आपको जोड़ देना है, जिससे आपकी वीडियो कॉर्नर से सही रहेगी। अब एक बार फिर से प्ले करके देखो, आप देखो बहुत अच्छी वीडियो शूट हुई है। अगर इसमें आप और भी इफेक्ट डालना चाहे तो इफेक्ट के लिए आप यहाँ से इफेक्ट्स में आके और आप यहाँ से डाल सकते हो। नहीं तो आप वीडियो सेलेक्ट करके और जो क्लिप ग्राफिक्स है इसमें आके आप जो यहाँ पे इम्पोर्ट करके जो काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको इस वीडियोज़ में दिखा दूँ एक डाल के, ऐसे आप यहाँ से डाल सकते हो, ऐसे डाल सकते हैं जो कि मैंने लिया हुआ है। तो मैंने थोड़ा जूम आउट का इसको कर लेता हूँ मैं, जैसे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये वीडियो आके जूम हो जाएगी। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। जैसे ये ऑटोमेटिकली ये जूम आउट हो गई है वीडियो, जैसे ही ये ग्राफिक्स की वजह से हुई है अपने आप ये पीछे को चली जाएगी। तो इस तरह से आप अच्छी रील्स क्रिएट कर सकते हो और जो इंस्टाग्राम है उस पर आप उसको ट्रेंडिंग में ला सकते हो, अपनी सिटी की ट्रेवलिंग वीडियो बना सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।